ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ ଗୋହେନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉନଥିବାରୁ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ये 17 में हमें ये यहाँ का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5,100 करोड़ का सेंक्शन दिया हूँ और तेज़ी गति से काम चल रहा है, लेकिन कुछ काम रुके हुए हैं कि कारण यही है, यहाँ का जो राज्य सरकार है उन लोगों ने जो भूमि अधिग्रहण करके देना चाहिए वो अभी तक दे नहीं, जिसका कारण हमारे कुछ प्रोजेक्ट स्लो प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पैसा उसा का कोई कमी नहीं है, सिर्फ ज़मीन के नहीं होने के कारण हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मैं आप लोग का माध्यम से सरकार का भी आग्रह करूँगा, जैसे उड़ीसा सरकार ने रेलवे का जितना भी प्रोजेक्ट है उसके लिए जो जमीन भूमि का प्रयोजन है उसका अधिग्रहण करके रेलवे को दे और हम तेजी गति से जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सके। और उड़ीसा के लिए और बहुत सारे मतलब स्कीम प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, जैसे जैसे उसका जमी अधिग्रहण आमर जोगुड़ा से देनी सांसन से गुड़ा जमी अधिग्रहण आम जोर से चली गुड़े मत जमी अधिग्रहण सरी जी आम जमी अधिग्रहण करुँ से प्रोजेक्ट मत कम हो जमी अधिग्रहण में एवं केन्द्र सरकार गोटे 2015 गोटे बिल आनी जो हिसाब से आगुरी रेलवे जमी अधिग्रहण पर गोटे स्वतंत्र आईन थी एवं गवर्नमेंट तरह गोटे स्वतंत्र आईन कले जमी अधिग्रहण जो थे से कि विलंबता होकर नीति नियम अनुजाई କରିବା ଲାଗି ସେଥିରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ନିଜ ଦୋଷଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ